Hello everyone, let's start with question number 8. So in this, it is given that a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km or more, it would have taken 1 hour less for the same journey. मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 360 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाली है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. वो कह रहे हैं अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आर ज्यादा होती तो एक घंटा कम लगता उस जर्नी में. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रैवल. उसने कितना ट्रैवल करना है, 360 किलोमीटर. दैट इज सेम फॉर ऑल. अब उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि स्पीड कितनी होगी ट्रेन की. तो स्पीड को हम मान के चलेंगे एक्स किलोमीटर पर आर. यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि अब सबको ये पता होना चाहिए पहले तो कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम. अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 360, और स्पीड कितनी है, एक्स. ये तो इसकी इनिशियल है, मतलब कि ये तो होना ही होना था, ओरिजिनल वाली है ये. अब उन्होंने बोला है कि स्पीड में कितना चेंज आया, 5 किलोमीटर पर आर कर दो ज्यादा. तो 360 ओवर एक्स प्लस 5. अब उन्होंने यही बात बोली है कि 1 आर कम लगता, तो कम लगता है इसका मतलब प्लस 1 ऐड कर दो. अब यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये देखो ये हमारा क्या डिपिक्ट कर रहा है, डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये हमारा क्या डिपिक्ट कर रहा है कि एक घंटा हमें कम लगेगा तब जब हम ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं. तो इसमें प्लस होना चाहिए था हमारा, 360 ओवर एक्स प्लस 5 प्लस 1. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, 360 एक्स प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ. सो इट विल बी 360 ओवर एक्स माइनस 360 ओवर एक्स प्लस 5 इक्वल 1. अब 360 कॉमन ले लेंगे, सो यू आर लेफ्ट विद 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 5 इक्वल 1. अब नेक्स्ट पे आते हैं, 360 हमारा रिड्यूस हो गया एक तरफ. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रिड्यूस इट मोर. पहले तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको ओपन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग एलसीएम. तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एक्स एंड एक्स प्लस 5. अब फर्स्ट वाले को एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड वाले को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल 11 इक्वल 1. एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, 5 बचा. तो 360 इंटू 5 कितना होता है, 1800. अब ये जो नीचे वाली टर्म है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे और इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे ऊपर की तरफ. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अब 1800 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ. अब आइदर यू कैन यूज हियर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और यू कैन यूज मिडल टर्म स्प्लिटिंग और यू कैन यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट. सो इन दिस केस आई वुड बी यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो 1800 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरा 5x बने, बीच वाली टर्म बने. तो 1800 को कैसे लिखा जा सकता है, 40 × 45. अब इसको ऐसे लिखना है कि हमारा 5x बने, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800. तो फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लो, लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 40, तो आपके पास बचा एक्स प्लस 45. तो या तो एक्स प्लस 45 है या तो एक्स माइनस 40. तो एक्स प्लस 45 इक्वल 0 एंड अनदर इज एक्स माइनस 40 इक्वल 0. तो एक्स कैन बी माइनस 45 और इट वुड बी 40. तो माइनस 45 हो सकता है या तो 40 हो सकता है. तो स्पीड तो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी इन नेगेटिव, नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती. तो माइनस 45 को डिस्कार्ड कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है,
एक्स एज 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।